अब बारी है स्टेज पर आने की, स्वागत है मधुसूदन जी, मधुसूदन गुप्ता जी जो श्याम जी के को वर्कर हैं, को प्रोड्यूसर हैं, साथी भी हैं, और उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच जो ऑफिशियल फेयरवेल स्पीच दूरदर्शन में हुई थी उसमें श्याम जी ने कहा मधु जी मेरे भाई मेरे अभिन्न मित्र, तो वी कॉल अप ऑन स्टेज मधुसूदन गुप्ता जी टू रेंडर हिज पोएम. श्याम जी की बहन द्रौपदी वाधवा जी भी आई है, उनका भी स्वागत है. कल आप थे दूरदर्शन के प्रोग्राम में और बहुत थोड़े से शब्दों में पर बहुत बढ़िया बात होगी श्याम जी के बारे में. थैंक यू. नेक्स्ट वुड बी आराधना जी. आराधना है, आराधना इज वन आराधना होता है अच्छा. सुषमा शर्मा जी हैं और मधुसूदन जी के बाद सुषमा शर्मा. श्याम रोहिरा जी, ये हमारे दोस्त का वहां भाई जाना है क्योंकि इनका हमारा 30 साल का साथ है और ये हमको ईश्वर की तरफ से एक बहुत बड़ा वरदान है जो हमें भाई के रूप में मिले हैं और उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. सादगी में भाई मेरे कैसा सुंदर ठाट, सादगी में भाई मेरे कैसा सुंदर ठाट, हंसते गाते गुनगुनाते बीते सावन साठ, हंसते गाते गुनगुनाते बीते सावन साठ. यार मेरे तुम्ही से सीखे सदा प्रेम के पाठ, यार मेरे तुम्ही से सीखे सदा प्रेम के पाठ, ना छूटेगी इतनी जल्दी जन्म जन्म की गांठ, ना छूटेगी इतनी जल्दी जन्म जन्म की गांठ, जन्म जन्म का रिश्ता है. घूम घूम कर तुमने भाई देखे सौ सौ घाट, घूम घूम कर तुमने भाई देखे सौ सौ घाट, तुमसे उजला होकर निकला गंगा जी का पाठ, तुमसे होकर तुमसे उजला होकर निकला गंगा जी का पाठ, गिरती गई दीवारें सारी खुलते गए कपाट. जब ही मेरे साथ जुड़े तो मेरे सामने कोई बाधा नहीं है. गिरती गई दीवारें सारी खुलते गए कपाट, संकट की बेला में तुमने जहां बढ़ाया हाथ, संकट की बेला में तुमने जहां बढ़ाया हाथ, प्रेम भरी तलवार तुम्हारी, प्रेम भरी तलवार तुम्हारी जिसकी ऐसी काट, मेरी नादानी पर है मिलती मीठी मीठी काट. आपने इतनी छोटी सी कविता में एसेंस कैप्चर किया श्याम जी का. वी नाउ कॉल अपॉन मोहन जी, ही इज एन ऑफिसर विद द रॉ. मोहन सॉरी कैन यू गेट द सेकंड प्लीज. जो मामी का
Shyam Rohira. Shyam, jadai bu, bukhe. Sorry, na Sindhi bhi baat karunga kyunki Shyam asali pehli bhasha hai Sindhi. Shyam ji, jab bhi mujhe milte hain, mujhe apne purane career ke din yaad aate hain. Aur wo bhi mujhe isi picture mein hi dekhte hain, isi film mein hi dekhte hain, jab humne saath shuruaat ki. शाम के देर में तो आए मुख्य पंजा दिए जा गीता है मुख्य पंजा दिए जा गीता है की ऐसा अलदा वासी की ऐसा तेंदा वासी की ऐसा गद पंद कयो वा जिंदगी है जिदा बाजली है जो जिदा बाजली जो एक शेर आए जिदा बाजली की दो लाइनें हैं ये दुनिया दुनिया जिसको कहते हैं दुनिया जिसको कहते हैं अब पता नहीं कहाँ से चले थे हम कहाँ आ गए हैं और बीच में इतने सारे सफ़र हमने तय कर लिए और आज हम इस मकाम पे बैठे हैं कि विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज जो है ये इतना सफ़र तय करके आज ये जो है अपना ज़िंदगी को जो है इस मकाम पे ले आए कि वो उस दिन उन्होंने फ़ोन किया मैं तो हैरान रह गया कहते मैं रिटायर हो रहा हूँ कल तो शुरुआत की थी आपने और आज मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा मैंने कहा आप रिटायर हो ही नहीं सकते आप कर्मठ आदमी इतने इतने रिटायर हो ही नहीं सकते आप इसके बाद भी जो है अपना ज़िंदगी का सफ़र इनका चालू रहेगा हैं दुनिया जिसको कहते हैं वो खिलौना है दुनिया जिसको कहते हैं वो खिलौना है हो जाए जो ज़िंदगी है मिल जाए वो सोना है मिल जाए वो ये है कि अपना जो अब इन्होंने ज़िंदगी दिए है उसके बाद जो उन्होंने देना है वो सीधा उनको अपने इनके खाते में एक सोना जो परिवार के साथ आएंगे वक्त वो बेशकीमती वक्त है और जो एक्चुअली जो इंतजार करता है आदमी कि मैं अपने तरीके से ज़िंदगी जी अपने तरीके से उसके लिए मैंने शायद बहुत पहले अपना स्टेज के खोल दिया था मैंने छोड़ दिया था और अपने तरीके से ज़िंदगी अब इनको पता लगेगा कि अपने लिए वक्त जो है कैसे जो है हम उसको नहीं किया उसको हमने क्या क्या करना है बाकी हमने ज़िंदगी में तो वो जो वक्त होता है ये बहुत बेशकीमती होता है मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ अपने आने वाले वक्त के लिए और ये भी कामना करता हूँ कि ये अपना काम जो है दूरदर्शन हो या समाज ये सबसे बड़ी बात है कि जो सब इनकी भावना है निस्वार्थ भावना समाज के लिए काम करने की वो शुरू से इनके अंदर रही है और वो रहेगी और आगे भी वो सिंधी समाज के लिए बहुत अपना कार्य करते रहेंगे ये मेरी शुभकामनाएं हैं और यही जो है महेश जी हैं महेश चावड़िया प्लीज कम ऑन स्टेज उनके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है दो शब्द और श्याम जी दिले सिंह के एडिटर सोशल वर्कर ग्रेट लिटरेटर एंड व्हाट नॉट दो शब्द श्याम जी के लिए कंटिन्यू द प्रोग्राम और सुषमा शर्मा जी भी यहाँ हैं प्लीज उसके बाद आ जाए स्टेज पर मेरा भाई श्याम संबंध
याद नहीं आ रहा, 30 साल से ज्यादा, 30-35 साल से। दिल्ली प्रदेश हिंदी समाज में सेक्रेटरी श्याम जी, मैं भी, जिन्होंने समाज के लिए कुछ करने की, कहने की तड़प। समय चक्र अपने चलता गया। श्याम जी के क्या कहूं मैं कि बहुत सेवा की है, कि लेखा छोड़ अनेखे छूटे। कई चीजों की काउंटिंग होती है, कई चीजों की काउंटिंग करने वाला कोई और होता है, वो कब होगी कैसे होगी वो उसको पता, हमें नहीं पता कि क्या होगी काउंटिंग। हम अपने टोटल लगाते हैं जीवन में। श्याम जी का आध्यात्मिक रूप भी है, मैं मान के चलता हूँ, सब परिचित है उससे, सेवा करते हैं। घर में, समाज में और संसार में एक सामंजस्य बनाना, उनके बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कड़वा, बहुत ही कड़क, बहुत ही कड़ा अनुभव है। अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने धार्मिक जगत में, अपने ड्यूटी में भी पूरा उठना। भाई उठते कितने बजे हो? मैं 9 बजे उठता हूँ, 8-9 बजे से पहले मैं नहीं उठता, 5 बजे भाई उठ जाता है। और फिर एक टांग दिल्ली में, एक टांग अहमदाबाद, दूरदर्शन की भी ड्यूटी पूरी। कमियां रह गई होंगी परिवार में समय देने में, मान के चलता हूँ, अब वो कमियां पूरी होंगी और परिवार भी जरूरी है। उसके बाद परिवार के, हमारा ऐसा, तो पहले तो अपना स्वार्थी बने आदमी, मैं तो सीधा स्पष्ट कहता हूँ, पहले आदमी का शरीर ठीक हो, आचार विचार व्यवहार, संबल हो, शक्ति हो, धन की, तन की, मन की, तीन चीजों की खुशी, उसके बाद परिवार, उसके बाद समाज, उसके बाद राष्ट्र, या सबके अंदर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। जो छूट गया उसकी बात की जिक्र करने का कुछ नहीं है। प्रार्थना करूंगा भाई साहब में, पुराने जीवन के अनुभवों को, खट्टों को, मीठों को, एक चलिंग प्रोसेस होता है जो आदमी खाली होता है। कई बार जब काम करने पे बोझा होता है, मैं भाग जाता हूँ दिल्ली छोड़ के, 2 दिन के लिए दिल्ली के बाहर चले गए, सोचा भाई क्या छूट रहा है। हमारे जीवन में कई कमियां छूट जाती हैं, लेकिन जब जीवन के बाद उसको हमें एक पॉइंट भी उसे हमें रिकलेक्ट करना है कि बैलेंस शीट बनानी है, भाई हमारे जीवन में अच्छे प्रसंग क्या है, बुरे प्रसंग क्या है, जो कमियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करनी है। मैं मार्गदर्शन देने की दृष्टता बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमें अपने जीवन को, जब तक हमारा जीवन है, अच्छे ढंग से बिताने की कोशिश करनी है, सामंजस्य बनाना है परिवार में, समाज में, धर्म में। मैं यही प्रार्थना करूंगा। सेवा जो कर रहे हैं वो तो देखो ईश्वर के हाथ में है, पता नहीं ईश्वर ने क्या सोचा है, क्या कर रहा है, हमारी नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा, दिल्ली से आया, क्षमा चाहता हूँ। समाज के लिए श्याम जी, मैंने एक चीज चिंतन की, जैसे हम समाज 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 कहते हैं, सुख में दुख में मोटी सी बात है, हमारे साथ कौन खड़ा है, हमें ना चिंतन करना चाहिए, कैलकुलेशन करनी चाहिए, टोटल लगाना चाहिए, बैलेंस शीट लगानी चाहिए, भाई मेरे अच्छा घड़ी है, मेरे साथ कौन खड़ा है, मेरे साथ बुरा टाइम है, मेरे साथ कौन खड़ा है, वो सोचे आदमी, चलिंग प्रोसेस होना चाहिए। चिंतन की प्रक्रिया कभी जीवन में बंद नहीं होनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, वो सुधार भी करना चाहिए। आपका जीवन धार्मिक गुजर रहा है, निमाणेपन से, बिना किसी स्वार्थ के आध्यात्म की ओर आप लोगों को भी जोड़ रहे हैं, खुद भी जुड़े हैं, आपके ऊपर ड्यूटी भी है, जिम्मेवारी भी है, वो जिम्मेवारियां कैसे निभाओगे आपको देखना है, परिवार की जिम्मेवारियों से भी निवृत्त होना है, अपनी जिम्मेवारी, अपने परिवार की जिम्मेवारी, और जो आपके ऊपर जो ईश्वर की जिम्मेवारियां रखी हैं, बैलेंस बनाना है जीवन में, बस बैलेंस बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी वजह से किसी के मन में दुख, पीड़ा, कष्ट नहीं होना चाहिए किसी के भी मन में। मैं ये प्रार्थना करूंगा आपसे, सार्वजनिक रूप से कभी नहीं चाहिए, लेकिन एक होते ना कुछ बेशरम आदमी होते हैं, मैं तो लाइसेंस होल्डर बेशरम हूँ, सीधी सी बात है। और भगवान आपको शक्ति दे, ईश्वर आपको सामर्थ्य दे, ईश्वर आपको सब
तरह की सुविधाएं दे, आपको आरोग्यता दे, धन धान्य दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ये मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। मुझे ना तो ज्ञान है ना मुझे कोई नॉलेज है। ये हमारी जो आदरणीय कुछ लोग जो अच्छे सज्जन होते हैं वो दूसरों को जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ ग्रेस मार्क देकर पास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे जो फेलियर बच्चा होता है ना उसे पता है कि भाई मेरे को आता जाता कुछ नहीं, मेरे को खुश करने की प्रक्रिया हमारी बहन जी कर रही थी। मैं स्लाइड नहीं हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। थैंक यू महेश जी, आपकी ह्यूमिलिटी है। महेश जी ने जो चौपाई शुरू की थी तुलसीदास जी से, कंप्लीट द दैट कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो विश्व जो है कर्म प्रधान है और हमारे श्याम जी के लिए यही विशेष है, विच इज अ कलेक्टिव विश जो ईशावासी उपनिषद का है। कुलवच ने ये कही है कर्माणि जिजि विशेष शत गुण समान, कर्म करते हुए 100 साल जिए इस तरीके से कि कर्म का आप पर लेप नहीं हो। दैट इज द वे टू मुक्ति and that is the unknown but almost known aspect of the life of our Shri Shyam. The next, of course, I've been waiting for long, which is Shushma Sharma ji from Doordarshan. I'm so sorry, aur kai log bhi hain queue mein aur hamari lovely gayikaen wo bhi wait kar rahi hain, please carry on. Namaskar sabhi ko, aur is sakshep mein bhi bolna chahungi ki mera parichay Shyam ji se bahut hi कम समय का है, लेकिन वो कम समय बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है मेरे लिए। दूरदर्शन में मैं बेशक 10-12 साल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अभी हाल ही में एक कार्यक्रम जाता है दूरदर्शन पर बातें फिल्म और उस कार्यक्रम में मैं एंकर हूँ, हालांकि और भी एंकर हैं, लेकिन मेरा जुड़ाव अभी हाल ही में हुआ है। और बहुत अच्छा लगा मुझे श्याम जी से जब मेरी मुलाकात हुई और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उनके साथ लंच करने का भी मौका मिला। मतलब उनके लिए मैं अपरिचित थी, लेकिन मुझे लगा नहीं बिल्कुल भी उनके साथ रहकर कि कहीं ना कहीं मैं इसे 2 महीने में मिली हूँ या 3 महीने से ही जुड़ा हुआ है। बहुत लंबा सफर रहा, सज्जन है, आध्यात्मिक इंसान है, जैसा कि मुझे इनकी बातचीत से लगा, बहुत ही सरल है और बहुत एक सच्चे इंसान लगे। और इतनी सज्जनता और इतने भोलेपन से जब मुझे इन्होंने इन्वाइट किया, इन्विटेशन दिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हालांकि आज मैं काफ़ी बिजी थी और मेरे हस्बैंड भी आए हुए साथ में, उन्होंने इन्वाइट किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज यहाँ पर आने का मौका मिला। थैंक यू श्याम जी, आपकी उम्र 1000 साल आप जिए और आपको इसी तरह आपके दोस्तों का, परिवार वालों का, सबका प्यार मिलता है। बस यही मैं चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द इन्विटेशन। थैंक यू सो मच। कृतिका प्लीज। कृतिका एक कविता कहना चाहती है, श्याम जी के परिवार की है, सॉरी गाना गाना चाह रही है, उनकी बहन भी कुछ शब्द कहेंगी। कृतिका प्लीज।